जिस दुकान का नाम है आप देख सकते हैं पेन हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, घबराइए नहीं, ये पेन हॉस्पिटल ही है, पेन का हॉस्पिटल, जहाँ आपको हमारे समय की यानी अभी की जो जनरेशन है उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन हमारे जनरेशन या पुराने लोगों को पता होगा कि जो पेन था वो फाउंटेन पेन था। इनके पास ऐसी व्यवस्था है जहाँ की वो जो फाउंटेन पेन को भी रिपेयर करते हैं और उनके पास वैरायटीज ऑफ पेन्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपके पेन हाउस में, जो कलकत्ता के मेट्रो गली के बिल्कुल पास में है, आपके ये बिग बाज़ार के बगल में। तो मैं इम्तियाजी से आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में आपसे मुलाकात कराऊंगा, जो कि हमारी जो लिखने की जो धरोहर है, जो हमारा जो पेन है उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। और उनके पास मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा था कि अभी जो हमारे समय की, शायद आजकल के जो न्यू जनरेशन को ये पता नहीं होगा, लेकिन ओल्ड जनरेशन को इस पेन की जो खासियत थी उसके बारे में पता है। तो मैं इंडिया जी से चाहूँगा कि वो अपनी दुकान पे, शॉप पे जो उन्होंने पेन रखे हुए, संजो कर रखे हुए हैं, और जो पुराने ज़माने के जो पेन हैं उसके बारे हमें जानकारी दें। तो चलिए हम इम्तियाजी से बात करते हैं। अपने अपने बारे थोड़ा, इस दुकान के बारे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। हमारी दुकान तो 75 ईयर्स हो गए, हमारे ग्रैंड फादर ने इसको स्टार्ट किया था उस दुकान को पेन हॉस्पिटल के नाम से। उस ज़माने में पेन भी लोग बहुत शौकीन थे, पेन यूज़ करते थे। और फिर मेरे फादर आए, फादर देखे, फादर जब मैं थर्ड जनरेशन हूँ मैं देख रहा हूँ, मेरा छोटा भाई भी था वो लास्ट ईयर डेथ कर गया, और हमारे भतीजा है, बेटे हैं, उन लोग सब फिर बाद में देखेंगे इस काम को। तो कंटिन्यू पेन का जो सिस्टम है बहुत दिनों से है, ये चला आ रहा है। पुराने लोग जो है सब पेन यूज़ किए हैं 75 से लेकर 60 में 70 90 के बाद थोड़ा पेन का गैप हो गया 15 साल। लोगों ने पेन का चलन ख़त्म हो गया था, लोग बॉल पेन और इसमें आ गए थे, मोबाइल में आ गए, जिसके वजह से वो बीच में 15 साल गैप हो गया। फिर अभी 2009-10 से स्टार्ट ये ले चुका है, लेने के बाद 2023 में पेन का रिवाज बहुत तेज़ है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में है बहुत सारे। तो जब भी हम अपने स्कूलिंग में पढ़ते थे, तो जब हम, मुझे याद है जब मैं क्लास 7 और 8 में था, तो एक चाइनीज पेन करके आता था, चाइनीज पेन उसको बोलते हैं शायद, मुझे, हमें वो नॉलेज नहीं था, हाँ बिल्सन था, तो हमें वो बहुत चाहती शायद, उस समय उसका कॉस्ट 20 रुपये था शायद, तो हम उस पेन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ऑर्डिनरी पेन यूज़ करते थे। उसके जो अब कल मैंने देखा जो इंक है, सुलेखा, कैमल, और मुझे सब बहुत सारे इंक का नाम याद गया, और हम उसे ड्रॉपर से भरते थे। तो कई बार होती थी कि वो इंक भी सारी गिर जाती थी बिस्तर पर, हाथ रंगे जाते थे, तो वो ज़माना अलग था। लेकिन आजकल की जनरेशन को उसके बारे में अभी तक फ़िलहाल नहीं मालूम है, अभी वो जेल पेन, बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको चाहूँगा आप मुझे कुछ पुराने जो एंटिक्स पेन है उसको कुछ दिखाइए मुझे। पेन हमारे पास स्पेशली दिखा देते हैं। अच्छा, न्यूट का कस्टमर ज़्यादा हमारे पास है, वो आए भी ढूंढ कर गए, 3 BB पेन लेकर गए, इंक लेकर गए। ओके, तो पेन का कस्टमर बहुत है, और अभी यंग जनरेशन लोग भी बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे लोग भी सब पेन यूज़ कर रहे हैं। तो आप से पेन बेचते हैं कि आप उसको रिपेयर भी करते हैं? रिपेयर भी होता है और हम सेल भी करते हैं। अच्छा, पुराने विंटेज एंटीक भी और हमारा न्यू मॉडल भी, सारा पेन माने तरह का पेन मिल जाता है और सब रिपेयर भी होता है। ओके, जो पार्ट्स मिल जाए तो उसका रिपेयर कर देते हैं, कुछ पेन का पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से नहीं भी हो पाता है। अच्छा, वो थोड़ा सा अभी ये हो गया। अच्छा, कुछ एंटिक पेन हमें दिखाएं तो मेरा, हमारे व्यूअर्स को जो जानकारी हो। अगर जैसा आप विंगसन बता रहे, तो विंगसन आप देखे, उस जमाने में आप वो भी नहीं देखे होंगे। हाँ, वो वाले पेन में ये सब विंगसन जैसा हो गया, ये छोटी नी वाली पेन होते हैं विंगसन, जो अभी भी लोग विंगसन के नाम से खरीदारी करते हैं। जी हाँ, इस तरह का पेन, और एक बड़े नी वाला पेन होता है, ये भी पेन है इस तरह का, बड़ी नी विंगसन। अच्छा, तो लोग इसको भी यूज़ करते हैं। और एंटीक में अगर आज चला जाएंगे तो फिर पार्कर, शेफर वगैरह सब पुरानी पेन है। अच्छा, वो लोग जो है उसको अभी भी खरीदते हैं, नया भी खरीदारी कर रहे हैं। ओके, पार्कर जैसे वेकोमेटिक एक पेन है इस तरह का। ओके, ये नी वाली पेन है, जी हाँ, नीव है। ओके, ये पीछे से वेकोमेटिक का से प्रेस करके इंक भरा जाता है। ओके, ये भी एक सिस्टम है पुराने मॉडल में। पुराने में आपको ये भी पेन है, पायलट जापान है, शेफर इम्पीरियल है, इस तरह का शेफर कंपनी की पेन है, ये भी उस टाइम में 70 to 90 बहुत फेमस पेन थी। तो आजकल के जो जमाने में बच्चे ने तो कभी इसको यूज़ ही नहीं किया, अभी तो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके फादर वगैरह अपने बच्चे को दे रहे हैं। अच्छा, मैंने ऑलरेडी पेन खरीद कर देते हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, फादर मदर भी हैं, अपने बच्चों को पेन खरीद कर दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग, बच्चे लोग स्कूल का है, कोई मेडिकल पढ़ रहे हैं, उन लोग भी पेन। तो एक्चुअली मैंने देखा कि ये जो हमारा जो फाउंटेन पेन था, इसका चलन क्यों ख़त्म हो गया?
क्यों खत्म हो गया? बीच में वो स्कूल में वगैरह में ना डॉट पेन पेन के लिए अलाउ कर दिए थे, रोलर पेन। हमारे समय में तो डांट पड़ती थी, अगर हम डॉट पेन यूज करते तो डांट पड़ती थी, डांट पड़ती थी, लेकिन 90 के बाद अलाउ कर दिए थे ना स्कूल में। अच्छा, तो उसके कारण वो सब डॉट पेन पेन में बहुत ज्यादा आ गए। जब डॉट पेन का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, जेल पेन होने लगा। ओके, और इसके अलावा आपका लोग मैंने मोबाइल कंप्यूटर में आ गया, इस कारण से भी बहुत सारे लोग पेन छोड़ दी चुके। ओके ओके, आज जो पेन लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि अपना हैंडराइटिंग तो, के लिए उनका पुराना लगाव है, पुराना मोहब्बत है। हाँ, अब बहुत सारे लोग अपने फादर, ग्रैंडफादर का, मदर का पेन को रिपेयर करवाते हैं। ओके, अपने इस तो सिटी के हिसाब से उनका। तो मैंने सुना आपने कभी काफी हस्तियों का भी पेन आपने इसको रिपेयर किया, तो कुछ हस्तियों का नाम बताएंगे? हमारे फादर, ग्रैंडफादर वगैरह किए। हमें तो अभी बड़े बड़े डॉक्टर, लॉयर, बैरिस्टर, बहुत बड़े सब बड़े क्वालिफाइड ज्यादा लोग हैं, सभी लोगों का पेन यहाँ पर बन रहा है और खरीदने भी आते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो अभी जजेस वगैरह, जो हाई लेवल आईएएस ऑफिसर है, ये ज़्यादातर ये अपनी जो फाउंटेन पेन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके यहाँ पर ये बॉल पेन का वगैरह यूज़ नहीं होता है। तो क्योंकि उनका चलन ज़्यादा, तो नेचुरली डिमांड तो रहती है, सभी लोग ज़्यादातर पेन लिखने का भी शौक भी है। अभी डॉट पेन, रिफिल, जेल, ये सब एनवायरनमेंट का भी लेकर के पोल्यूशन वगैरह सोच के भी लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, पेन में आ जा रहे हैं। इंक भरना है, पेन को इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ नुकसान बर्बाद ना हो, इसलिए लोग पेन को इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पास में किस माने प्राइस के रेंज के आपके पास पेन है? पेन तो देखिए 25-50 रुपये वाला भी पेन है, वो कोई खास नहीं है। 100 रुपीज़ से पेन जो है ठीक है, 100 रुपये वाला पेन जो लिखने के लिए काबिल अच्छा पेन है। अच्छा, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, जैसा चाहे। तो 10000 तक भी के पेन है? मिल जाता तो है। ऐसा कुछ का पेन आपके पास और कॉस्टली पेन है तो दिखाएंगे हमारे कस्टमर को? पेन है सर, विंटेज में भी हो जाता है, 5000, 6000, 8000 का नए पेन में भी है। तो ऐसा कुछ हमें दिखाएंगे कि मैंने जहाँ पर आप हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी? ये सब मैंने शेफर वाली कलम है, 7000 की है। अच्छा, ये 7000 की। हाँ, इसका नाम क्या है आपका? शेफर। शेफर, शेफर। तो मैं आपको जस्ट एक टर्न करके इसका नाम दिखाइए, इसका पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। शेफर है ना? हाँ, शेफर पेन है। अच्छा, इसका 7000 रुपये था? 7000। ओके, बहुत सारा पेन है, क्रॉस एक पेन आएगी आपको ये। ओके, अच्छा, ये 10000 के, ये 10000 का पेन है। इसमें ऐसी क्या खासियत है? इसमें ब्रांड है, ये बड़े लोग जो है ये सब यूज़ करते हैं, जो लोग इनका मैंने शौकीन है वो लोग ये सब फॉरेन का पेन है ये सब। अच्छा, अच्छा, इंडिया में भी आजकल अवेलेबल है। अच्छा, पहले इंडिया में नहीं आती, तब इंडिया में अलाउ किया। अच्छा, तो सारी पेन इंडिया में मिल जाती है, क्रॉस, शेफर, ब्लैमी, ओके, मॉन्टब्लैंक, वाटरमैन, बहुत सारी ब्रांड है। ओके, तो इंक की कैटेगरी में आप, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पीछे देखा वो जो सिलेका है, ये मैं हम लोग भी यूज़ किया है, इसके अलावा और भी कौन कौन सी इंक है? तो बहुत अच्छा सिलेका के बाद पार्कर एक है, और उसके अच्छा, बाद ये आपका वो लेमी है, वाटरमैन है। अच्छा, जापान पायलट है, पेलिकन है। अच्छा, इसके ऊपर फिर वो सुजुकी वगैरह आता है, मॉन्टब्लैंक आता है। अच्छा, तो ब्रांड बहुत सारा इंक अभी है, बहुत ऊँचे रेंज तक है। तो अच्छा, अगर होता ना आपके पास में कोई अगर पेन रिपेयरिंग के लिए लेके आता तो आपको कितना समय लगता है रिपेयरिंग करने के लिए? काम के ऊपर देख के कुछ काम ऐसा रहता है जो महीना दो महीना भी टाइम लग जाता है सर, लॉन्ग टाइम लगता है, महीना दो महीना पार्ट्स आना पड़ता है पार्ट्स के बाद। अच्छा, कुछ काम एक दिन में भी हो जाता है, कुछ पेन दो दिन चार दिन में भी होता है। अच्छा, तो अगर हमारे व्यूअर्स आपके पास कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो हमारे वही नंबर में है, इस नंबर में 9875371482। ओके, ये हमारा कांटेक्ट नंबर, इस नंबर में कांटेक्ट करने से। इसमें ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी जी है। ओके, जैसे एक पेन इनका आया, निप का ये काम था। अच्छा, कन्वर्टर वगैरह लगा दिया मैंने। अच्छा, निप वगैरह ये कर दिया। अच्छा, ये वाशर वगैरह ये एक दिन में रेडी हो गया ये पेन। अच्छा, ये वाले और बहुत सारे पेन है यहाँ पर आया है। अच्छा, पेन रीयूज के हफ्ता दिन है, किसी का चार दिन टाइम है, कोई एक महीना भी टाइम है। अच्छा, पुराने पुराने पेन में टाइम थोड़ा लगता है। तो ये रहे उनके इंस्ट्रूमेंट जिनसे वो रिपेयरिंग करते हैं। हाँ, पेन वेन इस तरह का, अगर ये हमारे आजकल कम में भी है, ये सब पेन 60000 रुपये वाला पेन है, लेकिन ये 500 रुपये में आएगा, 500। ये चाइना वाली पेन है। अच्छा, इसी का जर्मन पेन है, 60000 का, 60000। तो दोस्तों देखिए 60000 का भी पेन है, मॉन्ट ब्लैंक होता है। अच्छा, मॉन्ट ब्लैंक करके नाम है इनका। देखिए जिनाओ पेन है। अच्छा अच्छा, ये जिनाओ कोरियन वाले का सब पेन है। अच्छा, ओके, इंक बनने का तरीका तो ड्रॉपर, पहले वाले जो चाइनीज वाले पेन में क्या है कि वो ट्यूब, हाँ, पीछे एक ट्यूब थी, और अभी कन्वर्टर भी सिस्टम आ गया है। ये देखिए इंक प्रेस करना पड़ता है। हाँ, ये इंक भरने का, इसको प्रेस करते थे, इंक के अंदर डुबा के 6-8 बार प्रेस करने से पूरा इंक भर जाता है। अच्छा, ये इसका तरीका। ओके, और अभी नए नए मॉडल में आ गया, कन्वर्टर आ गया। अच्छा, देखिए ये घुमाकर भरा जाता है ऐसे। अच्छा, ये कन्वर्टर है? हाँ, कन्वर्टर, इसमें कार्टिज भी लग जाता है, छोटी छोटी कार्टिज लगती है। अच्छा, कार्टिज लग जाएगी, कार्टिज यूज एंड थ्रो कार्टिज होता है। ओके, और ये कन्वर्टर है, इसमें डाल के इंक ऐसे भरा जाता है, ऐसे घुमाकर। अच्छा, सामने लेके बैक की इंक चला गया। अच्छा अच्छा, ये इस तरह का है।
तीन तरह का सिस्टम है। अच्छा, पुराने वाले पे तो साइड लीवर वगैरह होता था, साइड हाँ। बोलने वाले का वो भी पेन है। हाँ। लेकिन वो पुराने लोग जो लोग शौकीन लोग हैं उन लोग ये सब यूज करते हैं। अच्छा, व्यूअर्स को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जिन्होंने पेन यूज़ नहीं किया वो पेन यूज़ करके एक बार देखें कितना उसमें आनंद है, मज़ा है उसमें, तो पुराने लोगों का याद आएगा, फादर का मदर का भी पेन अगर है उसको भी रिपेयर करके यूज़ करें या तो, नए पेन लेकर देखें तो नई वाली पेन उसका हैंडराइटिंग अच्छी है और लिखने में मज़ा है, सुकून है। तो नई जनरेशन को मैंने आपके ये फाउंटेन पेन की तरफ मुड़ना चाहिए कि जो अभी वो मैंने यूज़ कर रहे हैं उसकी तरफ? फाउंटेन पेन यूज़ करना चाहिए, अभी इस टाइम है यूज़ करने का। पूरे इंडिया में एक बहुत सारी कंपनी इंडिया एक से एक पेन बना रही है इंडिया में, और बाहर से तो आ रही है, उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी है जो अच्छे अच्छे पेन बना रहे हैं। ओके, तो लोग उसको भी खरीद के यूज़ कर सकते हैं। ओके, नी वाली पेन लिखने में हैंडराइटिंग अच्छा होगा, फिर लिखने में मज़ा आएगा उसमें। ओके, तो धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और हमारे ब्रीफिंग किया और लोगों को जानकारी दी, क्योंकि जो धरोहर है ये फाउंटेन पेन की आज की जनरेशन ने नहीं देखी थी। तो मैं आपका जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और दुकान का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जिन लोगों को भी इनके साथ में कांटेक्ट करना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में हमारा ये नंबर देख के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर उनके कोई पेन रिपेयरेबल भी है तो वो आके यहाँ पर आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन में भी बात कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप में दिखा सकते हैं। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद आपका, तो आपने हमारे लिए समय निकाला, शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह हमें इम्तियाज़ जी ने बहुत अच्छी से तरीके से डिटेल से हमें इस पेन के बारे में बताया, और आपको वैराइटीज़ ऑफ पेन जो कि हमारे इम्पोर्टेड और जो हमारे देश के अपने पेन हैं उनके बारे में बताया, उसका प्राइस रेंज, और आप अगर आपके पास पुराने पेन हैं तो अगर पेन आपके पास धरोहर है तो उस पेन को भी आप यहां पर आकर रिपेयर कर सकते हैं, और उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर और उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो उनकी जो दुकान है वो 1 बजे खुलती है, 1 से लेकर रात के 8 बजे तक है। दुकान थोड़ी खोजने में मुश्किल हो, लेकिन अगर आप धर्मतला में आते हैं तो मेट्रो गली के बगल में किसी भी आप पूछेगा पेन हॉस्पिटल, आपको यहाँ पर आसानी से आपकी दुकान एक गली में दुकान है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आप बाहर में भी हैं तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेन की समस्या बता सकते हैं, और वो आपके पेन को जितनी जल्दी हो सके उस पेन को आपको वो रिपेयर कर देंगे, अगर पार्ट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो पेन देसी हो या इम्पोर्टेड हो। तो दोस्तों, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप अपने लाइक्स कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे व्यूअर्स जो नए हैं हमारे इस ब्लॉग में वो भी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जो ब्लॉग्स है इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, तब तक दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।